नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मल्लावा हरदोई गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ग्राम गंज जलालाबाद में जल बिहार मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मेले के अंतिम दिन दिनांक 19 सितंबर 2024 को विराट डंगल का आयोजन किया गया, जिसमें भारतवर्ष के कोने कोने से बुलाए गए पहलवानों का कुश्ती मुकाबला गंज जलालाबाद में हुआ। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहली कुश्ती का हाथ मिलाकर दंगल का शुभारंभ किया। बाबा श्याम सुंदर दास अयोध्या धाम बादल पहलवान राजस्थान के बीच में भयंकर कुश्ती का मुकाबला हुआ, जिसमें बाबा श्याम सुंदर दास अयोध्या ने जीत दर्ज कराई। वहीं महिला पहलवान खुशी पंजाब मोहनी पहलवान दिल्ली के बीच में 7 मिनट कुश्ती में खुशी पहलवान पंजाब ने बाजी मारकर जीत दर्ज कराई। वहीं भारत का चमकता हुआ सितारा बाबा लाडी पहलवान विक्की पहलवान के बीच में 21,000 का इनाम घोषित कर कुश्ती प्रारंभ किया गया, जिसमें बाबा लाडी पहलवान ने विक्की पहलवान को शिकस्त देते हुए जीत दर्ज कराई। विपिन पहलवान उन्नाव अरुण पहलवान फिरोजाबाद के बीच में कुश्ती बराबर हुई। धर्मवीर पहलवान मथुरा इमरान पहलवान गाजियाबाद के बीच में कुश्ती हुई, जिसमें धर्मवीर पहलवान विजयी घोषित हुए। शिवा पहलवान एटा ने वीरू पहलवान कोलकाता को पटकनी देकर जीत दर्ज कराई। सर्वेश आगरा विवेक मथुरा के बीच में विवेक पहलवान ने जीत दर्ज कराई। उदयभान पहलवान तेजीपुर बबलू पहलवान बाराबंकी के बीच में कुश्ती हुई। उदयभान पहलवान विजयी घोषित। पवन कुमार पहलवान शुक्लापुर सर्वेश हमीरपुर के बीच में कुश्ती हुई, जिसमें पवन कुमार पहलवान विजय घोषित। गुलफाम मल्लावा रामू राय बरेली के बीच में गुलफाम पहलवान विजय घोषित। दंगल में कुल 21 जोड़े हुए, जिसमें 5100 से लेकर 21,000 रुपये तक की कुश्ती का इनाम दिया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा को वरिष्ठ पत्रकार नरेश दीक्षित ने भगवान राम की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। मल्लावा हरदोई से लाइव टीवी समाचार के लिए यूपी हेड चंदी ग्राम मिश्रा की खास रिपोर्ट। बाबा